महासचिव प्रियंका गांधी ने कल देर शाम पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के परिवार से दरअसल वो मिलने जा रही थी। प्रियंका गांधी के काफिले को लखनऊ पुलिस ने 1090 चौराहे पर रोक लिया, जिसके बाद प्रियंका गांधी पैदल चलने लगी। प्रियंका गांधी ने लखनऊ पुलिस पर गला दबाने, धक्का देकर गिराने के गंभीर आरोप लगाए। ये तस्वीरें आप देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिस वक्त वो कल गाड़ियों के काफिले से आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो प्रतिबंधित था रास्ता। और ये चार तस्वीरें जहां गाड़ी के काफिले में पहले जब सवार थी प्रियंका गांधी, उन्हें रोका गया। प्रियंका गांधी का फिर पैदल मार्च भी हुआ, वो स्कूटी पर भी सवार होती नजर आई। हालांकि बिना हेलमेट के चालक भी स्कूटी को चला रहा था और बिना हेलमेट के प्रियंका गांधी वाड्रा भी सफर करती नजर आ रही थी। चौथी तस्वीर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, तो आरएस दारापुरी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस की गाड़ी आगे आई जी, गाड़ी हमारी गाड़ी आ गई, आप नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, मालूम ही नहीं था कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो रोकने का मतलब क्या होता है, पूरे को नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, नहीं आप नहीं जा सकते, हम आपको जाने नहीं, मैंने कहा आपने मजा रोकी है, गाड़ी से निकल गई, मैं गाड़ी में जाकर जाऊँ, पैदल चलने लगी, महानुभाव के कैटेगराइज सुरक्षा के दृष्टिगत अग्रिम सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्था कराई जानी अपेक्षित रहती है, जिसके बारे में इनको क्षेत्राधिकारी को पूर्व से सूचित नहीं किया गया। और यह जानना चाहती थी कि श्रीमती वाड्रा कहाँ जाना चाहती हैं, जिस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको वहाँ पर रोका गया और जानकारी देने से इनकार किया गया। इसके बाद श्रीमती वाड्रा गाड़ी से उतरकर पैदल कार्यकर्ताओं के साथ चलने लगीं। इन्होंने जो क्षेत्राधिकारी अर्चना हैं, इन्होंने यह भी अवगत कराया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भ्रामक बातें जैसे कि गला पकड़ना, गिराना आदि जो प्रसारित की जा रही हैं, वो पूर्णतः असत्य हैं तथा इनके द्वारा पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया गया है। इस प्रकार क्षेत्राधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट प्रेषित की गई है, उसमें उन्होंने सिरे से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है और साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि जो सहयोग उनके द्वारा अपेक्षित था सुरक्षा की दृष्टिगत, सुरक्षा व्यवस्थाओं के दृष्टिगत, वो सहयोग उनको प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु इसके उन्होंने अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है।